मंटो माता है। आज का मेरा टॉपिक है आरसीसीबी। तो आज आरसीसीबी के बारे में सब बताएंगे। इससे पहले हम पढ़ाए थे केसीएल, तो सब लोग को याद है केसीएल के बारे में था कुछ? बता सकते हैं कोई केसीएल? इसके अगले लेसन में हम पढ़ाए थे केसीएल। केसीएल का खोज किसने किया था? केसीएल कितना साल में किया था? कोई बता सकते हैं? सर बता सकते हैं? लोग नोट्स लिखो, पॉइंट्स लिखना हो जो बोले। केसीएल का हम लोग अगले लेसन में क्या बताया था? केसीएल आने वाले कारण जाने वाले कारण के साथ बराबर होता है। उसका खोज किसने किया था? किचन रावत। सॉरी गुस्ताव रावत किचन ने किया था। कब किया था? 1845 में। आज जानते हैं कि आरसीसीबी क्या है। आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी को पता है? बताइए सर। ओके सर, आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडेंस करंट सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आरसीबी क्यों लोग यूज करते हैं, इसका कारण क्या है, ये क्या सुरक्षा लोग करता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। कि आरसीसीबी क्यों यूज करते हैं, यही तीन चीज के बारे में हम लोग जानेंगे आज। इसका एक्चुअली इसका फाउंडेशन ये है कि आरसीसीबी क्या होता है। अगर कोई भी चीज में अगर लीकेज करंट हो जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि आरसीसीबी किसी विद्युत परिपथ में अगर किसी लीकेज करंट होने पर वो अपने आप ट्रिप हो जाता है। जैसे कि अगर मान कर चलिए आरसीसीबी बहुत टाइप का होता है, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर का मिलता है। उसका अंदर में लिखा, उसका ऊपर में गुणा लिखा हुआ रहता है एक आरसीसीबी का। लिखा होता है कि 100 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर के हिसाब से लोग यूज करते हैं। घर में हम क्या कितना मिली एम्पियर के यूज करते हैं, 30 मिली एम्पियर के यूज करते हैं। उसमें लिखा होता है कितना एम्पियर का है, हम उसमें लिखा होता है 16 एम्पियर, 25 इससे क्या होता है तो मान कर चलिए इधर से सप्लाई आउटपुट हम लोग का इनपुट आ रहा है, तो आउटपुट मान कर चलिए मोटर के दे रहे हैं हम लोग। मान कर चलिए इसमें करंट इस फेज में जा रहा है करंट 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट जा रहा है। अगर मान कर चलिए इस सर्किट में 5 एम्पियर करंट जा रहा है, लेकिन रिटर्न क्या करना पड़ता है, इसको रिटर्न फिर से 5 एम्पियर करंट आना चाहिए, तब ये ट्रिप नहीं होता है। अगर इसको मान कर चलिए इधर कहीं अर्थ मिल गया उसका, तो इसे मान कर 5 एम्पियर गया, तो इधर मान कर चलिए 4.5 एम्पियर आया, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग का इसी प्रकार सेम और एक चीज होता है कि ईएनसीबी, ये भी सेम प्रकार इसी काम करता है। ये क्या होता है, इसके लिए अर्थ कनेक्ट किया जाता है, उसके लिए यहाँ से अर्थ को डायरेक्ट हम लोग व्हाट्सएप अर्थ को, सॉरी व्हाट्सएप में हम लोग का है कि इसको समझा दो थोड़ा सा। चलिए ये इनपुट इधर से दे रहे हैं हम लोग,
इनपुट इधर क्या दे रहा है, फेजर न्यूटन दे रहे हैं। इसमें क्या फंडेशन होता है, इसमें अगर अर्थ यहाँ से कितना सभी मोशन में क्या अर्थ कनेक्ट हो जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये अगर मान कर चलिए आप शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर मान कर चलिए आप कोई अर्थ मिल गया ठीक है, तो ट्रिप नहीं होगा ई एल सी बी में, उसको ट्रिप करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके यहाँ अर्थ को यहाँ पर इसको कनेक्ट करना पड़ता है, यहाँ पर एक अंदर में कॉइल रहता है और उस कॉइल को अर्थ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसका एडवांस वर्जन आर सी सी बी अभी यूज करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, अगर मान लो चलिए कोई करंट घट रहा है या अर्थ टाइम ले रहा है तो क्या होता है, मान लीजिए ट्रिप हो जाता है। इसका टाइप देखते हैं अभी, इसका टाइप होता है PHASE सिंगल फेज किसको किसको कहा जाता है, सिंगल फेज उस आरसीसी में एक एक न्यूटन होता है और एक फेज होता है। इसको हम लोग सिंगल फेज बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक न्यूटन और एक फेज होता है, तो इसको हम लोग ये 2.80 कहा जाता है। थ्री फेज में क्या होता है, इसमें 3.9 और एक न्यूटन रहता है, इसको हम लोग 4.1 भी कहा जाता है या 3 फेज भी कहा। थ्री फेज इसलिए कहा जाता है, इसमें 3.9 सप्लाई आ रहा है और एक न्यूटन आ रहा है। अब देखते हैं कि आरसीसीबी का काम क्या होता है, सॉरी आरसीसीबी का कितने टाइप में हम लोग मार्केट में मिलता है। आरसीसीबी मिलता है 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 63 एम्पियर, इतना ही सारा हम लोग यूज करते हैं आरसीसीबी। और हम लोग घर में यूज करने वाला क्या करते हैं, हम लोग मान कर चलिए 16 एम्पियर आरसीसीबी यूज कर रहे हैं, उसमें लिखा होता है कुना में कि कितना मिली एम्पियर वो लीकेज करेंट, इससे अगर ज्यादा होगा तो क्या होता है ट्रिप होगा, इससे कम होगा तो ट्रिप नहीं करेंगे। उसमें लिखा होता है कुना में 30 एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, जैसे 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर आरसीसीबी हम लोग घरों में यूज किया जाता है, और 100 मिली एम्पियर जैसे थोड़ा होटल में या तो कंप्यूटर दुकान में ये सब में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर में थोड़ा बहुत लीकेज करंट होता है, इसलिए इसमें थोड़ा मिली एम्पियर को बढ़ा देते हैं। और 300 मिली एम्पियर हम लोग को इंडस्ट्रियल या ये सब में यूज किया जाता है। तो आप सब लोग समझ गए ना, तो हम लोग घरों में कितना मिली एम्पियर का प्रयोग किया जाता है, सचिन सर बताइए तो। आरसीसीबी क्यों ट्रिप होता है अरुण सर, आरसीसीबी क्यों ट्रिप हो जाता है, क्या सर लीकेज की वजह से, लीकेज करने की वजह करना
इंडस्ट्रियल में आरसीसीबी का क्यों प्रयोग किया जाता है, कितना मिलियन एम्पीयर तक किया जाता है पता है ये गोपी सर बताइए? 300 मिलियन। घरों में 300 मिलियन एम्पीयर क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है? घर में क्या होता है अगर थोड़ा बहुत लीकेज करना होने से ट्रिप करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्या जान का खतरा हो सकता है। अब कंपनी में क्या होता है थोड़ा बहुत सारा मशीनरी का लीकेज करना होता है, इसलिए क्या होता है उसमें ज्यादा मिनी एम्पीयर का उसमें यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग आरसीसीबी क्या होता है, आरसीसीबी कितने प्रकार के होते हैं और आरसीसीबी का काम क्या है, समझ गए आप लोग? यस सर। तो अब लोग आरसीसीबी प्रयोग क्यों किया जाता है, सॉरी आरसीसीबी का प्रयोग करने से प्रयोग नहीं करने से क्या होता है, इसके बारे में आप लोग लिख कराना। और इसका हम रेफर किए थे नीमी मॉक टेस्ट से, और इसका नेक्स्ट नेशन है अर्थिंग। ओके सर, मेरा नेशन बनाना।